अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, आज हम आपको लेकर आए हैं जिराफ पार्क में। जैसा कि आप सामने ये देख सकते हैं, ये एंट्रेंस है जिराफ पार्क की, और यहाँ पर जिराफ फीडिंग भी होती है, और उसके अलावा कुछ और एनिमल्स भी इन्होंने रखे हुए हैं। तो आज हम आपको इसकी सैर करवाएंगे, और इंशाल्लाह आपको ये सारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो ये एंट्रेंस है, और अब हम अंदर जा रहे हैं यहाँ से। और पहले हमने लेनी है टिकट, तो उसके लिए यहाँ पर कैबिन है जहाँ से हम टिकट खरीदेंगे। और यहाँ पर देखें, बर्ड्स की इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, और वो देखें सामने लेडी हैं, वो अब देख रही हैं, हम उनके पास आए हैं टिकट खरीदें। Good हेलो, afternoon, ma'am. How are you? I'm okay, and yours? Fine. So just the three? Three of us. You're not coming to any parties or anything, right? No. Okay. 225, please. Each. तो जी, यहाँ पर कुछ जानवरों का ट्यूटोरियल चल रहा है और कोई शो हो रहा है, तो बस अब हम उस तरफ ही जा रहे हैं। उसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनका वो ट्यूटोरियल दे रहे हैं, और ये सब इस पार्क के अंदर ही है। Go back.
from eating people. Because I know he's not going to do anything. So in the morning, when I go and see which snake wants to work, I know him well enough to know where he wants to work and when he doesn't. Yeah. So it's all about knowing them and also respecting them. और यहाँ पर कुछ और जानवर भी हैं और सब जानवरों के केज बने हुए हैं। कुछ बर्ड्स हैं, बिग बर्ड्स हैं, उसके अलावा एनिमल्स हैं। और देखें, हर केज के बाहर उस बर्ड का पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वो किस कंट्री से आया है या उसका क्या नाम है। और ये देखें जी, ये बिग कैट्स हैं और ये भी लायन की एक किस्म है और ये बहुत छोटी होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल शेर की ही नस्ल है। और लेकिन इनका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है। और यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत उनका अंदर छोटा सा घर बनाया हुआ है इन्होंने, और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और यहाँ पर देखें ये बर्ड्स हैं और ये पैरट है, पैरट की कोई काइंड है। और ये जो नीचे है ये मुझे तीतर लग रहे हैं, और इसको मुझे देखना पड़ेगा कि इसका क्या नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखें ये सब बंदर हैं, इन्होंने खूब उधम मचा रखा है, ऊपर नीचे ये उछल रहे हैं। और इतना बड़ा केज है इनका, पूरे उन्होंने रोप लगाए हुए हैं अंदर, और उनके उछलने कूदने का पूरा बंदोबस्त हो रखा है यहाँ पर। और यहाँ से देखें जी, ये रास्ता है, ये अभी हम शो देख कर आए हैं और अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा पार्क है और इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर अंदर एक छोटा सा प्ले लैंड भी बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा हॉल है जिसमें कि आप कोई भी प्राइवेट फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर किसी की बर्थडे है तो वहाँ पर वो पूरा अरेंज कर सकते हैं, बस आपको बुकिंग लेनी होती है और पूरा बर्थडे का अरेंज हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कितने और सारे बर्ड्स हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं सारे। और यहाँ पर मुफ्त स्कूल से बच्चों के जो ट्रिप है वो भी आते हैं। मेरी बेटी के स्कूल का ट्रिप भी ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले यहाँ आया था, और बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं जो स्कूल्स वाले होते हैं, वो सब यहाँ लेकर आते हैं। और ये जो हमने ट्यूटोरियल दिखाया है, इसमें वो सारा ये बच्चों को दिखाते हैं। सो काफ़ी अच्छी जगह है बच्चों के लिए, और बच्चों को तो वैसे ही ऐसी जगह बहुत पसंद आती हैं जहाँ पर एनिमल्स होते हैं। और बस हम भी साथ, बड़े भी इंजॉय कर लेते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों के साथ जो बड़े हैं वो भी बच्चे बन जाते हैं, तो बिल्कुल ये सच है। और उनकी भी इंजॉयमेंट हो जाती है और बड़ों की भी। तो बस अभी हम देख रहे हैं डिफरेंट केजेस में जाकर, और हर केज के अंदर ज़बरदस्त किस्म के खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है इनको देखकर। और मौसम भी बहुत अच्छा था, बादल बने हुए थे, और यहाँ पर चूँकि गर्मियाँ हैं और यहाँ पर जो धूप है वो बहुत सख्त होती है, वो बिल्कुल वो पाकिस्तान वाली धूप नहीं है कि जिसमें आप आराम से घूम फिर लें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट है यहाँ पर, अगर आपने सनब्लॉक नहीं लगाया तो सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसी हिसाब से हमने डिसाइड किया था कि जब भी वेदर अच्छा होगा तो हम तभी जाएंगे। तो उससे ये है क्योंकि सब आउटडोर है, खुला है, शेड बहुत कम है, और आपको बिल्कुल सूरज की रोशनी में ही और धूप में ही आपको इधर उधर घूमना होता है, शेड बिल्कुल नहीं है। तो उस तरह से भी बहुत अच्छा दिन था और जानवरों को देख के भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो जी, यही था मेरा व्लॉग, और इसका पार्ट 2 भी है जिसमें हम आपको जिराफ दिखाएंगे, और उसके अलावा उसमें इम्पाला होगा, हिरन होंगे और भी बहुत सारे एनिमल हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग वही होगा। तब तक अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।